तो बहुजनों की चेतना आज मर गई है, मैं सच बोल रही हूँ। बहुजनों में इतनी चेतना नहीं है। जो बहुजन समाज का व्यक्ति अपने आत्म सम्मान के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी आत्म रक्षा के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ सकता, बताओ उसकी उससे क्या डर? क्या डर? हम मुट्ठी भर लोग कहने के लिए हम विशाल हाथी जैसे हैं। कहाँ कार्यक्रम हो? मैंने तो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मैं भी आई हूँ, मुझे 2-2.5 घंटे यहाँ पे लमसम में हो गए, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं देखा। 200-250 लोग मुश्किल से यहाँ पर थे। देखिए अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल तो सिर्फ आज हिंदुओं के लिए चल रहा है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है, जो भारत माता की जय करते हैं उनके लिए चल रहा है, जो जय श्री राम के नारे बोलते हैं उनके लिए चल रहा है, जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो इस विचारधारा के है नहीं, जो इस विचारधारा को नहीं मानते, जो बाबा साहब के नहीं है, बाबा साहब को मानते, उनके लिए आज अमृत काल नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि जहर काल चल रहा है। क्योंकि उनके पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि आज जितने भी डेरे बने हुए हैं, जितने भी बाबा बने हुए हैं, वहां पर जाते तो हमारे लोग हैं और उनको हिंदुत्व के आधार पर कहीं ना कहीं वो बरगला लेते हैं। और जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो हिंदू खतरे में, तो सबसे पहले आगे कौन खड़ा होता है? किस पे लाठियां बरसती है? वो उनके किसी ब्राह्मण समाज के बेटे नहीं होते, वो किसी नेता मंत्री के बेटे नहीं होते, किसी विधायक के बेटे नहीं होते, वो किसी जाट गुज्जर के बेटे नहीं होते, बल्कि वो आंदोलन में मारे जाने वाले, लाठी खाने वाले बच्चे वो हमारे अपने समाज के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक डर दिखाकर जो लोग कह रहे हैं कि आज हिंदू राष्ट्र खतरे में, तो हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए आज वो लोग नहीं सड़कों पर है बल्कि वो हमारे ही समाज के लोगों को उतार रहे हैं, जो कि जो हमारे समाज के लोग सुबह सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं। मेरे को तो शर्म आती है कि जो लोग आज बाबा साहब की जय जयकार करते हैं आज वो सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, आरएसएस का गुणगान कर रहे, बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, या जो जिस तरह से अभी हमने देखा रोडों पर तमाम ऐसी हिंदू यात्राएं निकली उनका झंडा उठा रहे। अरे शर्म कीजिए, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आपको इतनी तक लाज नहीं आती कि जिस व्यक्ति ने आपकी आजादी के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आज आप उनकी लाश पर, उनके मतलब बलिदान पर और त्याग पर आप जश्न मनाते हैं, खासकर हिंदू राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर? तो ये कैसा भारत बना रहे हैं हम, कैसा भारत बना रहे हैं? दलितों को कार्यक्रम करने की आजादी नहीं है क्या 76 साल बाद भी देश में? देखिए अगर संवैधानिक तौर पर देखे जाए तो सबसे ही पहला समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, महिला है, पुरुष है, काला है, गोरा है, सबसे पहले समानता है। और संवैधानिक रूप से देखा जाए अगर उन लोगों को परमिशन मिल जाती है प्रशासनिक तौर पर, तो बहुजन समाज के लोगों को भी परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो प्रशासन और सत्ता और इस समाज के लोगों को जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये लोग मजबूती के साथ में इकट्ठा हो या ये लोग संगठित होकर अपने कार्यक्रम करें। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को अपना गौरवशाली इतिहास पता चलेगा, और जब वो इतिहास उनको पता चलेगा तो उनके अंदर एक क्रांति आएगी, और जब उनके अंदर एक क्रांति आएगी तो कहीं ना कहीं एक समर्पण की भावना भी आएगी जिसके तहत वो अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए सरकारें और प्रशासन नहीं चाहते कि ये लोग संगठित होकर एक झंडे, एक डंडे या कहीं भी एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो, तो सीधा साधा कारण है, इसीलिए इनको परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, वो कहाँ है आज, क्यों नहीं आए यहाँ पर? देखिए 10 लाख संगठन वो आपको पेपरों में रजिस्टर्ड मिल जाएंगे, वो गली मोहल्लों में घर तक अध्यक्ष मिल जाएंगे, लेकिन दुख इसी बात का अगर 10 लाख संगठन जो आप बता रहे हो, मैं कह रही हूँ अगर एक एक व्यक्ति, एक अध्यक्ष एक दिन एक व्यक्ति को उजागर करने का काम करे तो दिन में 20 लाख लोगों को हम मिशन मूवमेंट समझा सकते हैं। लेकिन विडंबना यह कि आज हर गली में संगठन बन गए, महान पुरुषों के नाम के संगठन बना लिए, उनके नाम से चंदा उठाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और जितना चंदा आता है वो अपनी जेब में रखने का काम करते हैं, तो बहुत दुख होता है। मैं कहती हूँ कि संगठन बनाइए, संगठन बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन बनाया, संगठन का उद्देश्य होना चाहिए समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, समाज के लोगों में जागृति पैदा करना। लेकिन ये संगठन इस तरफ दिशा, अभी मैं कहां से शिकारपुर से गुजर रही थी, मैंने देखा कि बाबा साहब की एक बहुत बड़ी वो लगी हुई है, तस्वीर थी वहां पर और एक मूर्ति भी लगी हुई थी वहां पर, बहुजन समाज के कुछ लोग इकट्ठे थे, हाथों में पंसिल के झंडे थे, तिरंगा था, तो मैंने उनसे विचार करना चाहा, हम उतरे, हमने गाड़ी रोकी, हमने उनसे पूछा कि भाई आज क्या रहा है, तो उन्होंने कहा भाई आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 18 राज्यों की का भ्रमण कर चुका हूँ और मैं बोध हूँ, उसने अपने नाम के पीछे बोध लाया। तो मैंने पूछा उससे आपको पंसिल आती है, पंसिल नहीं आते। मैंने उनसे पूछा आपको अष्टांगिक मार्ग आते हैं, नहीं आते। बुद्ध का कोई सिद्धांत बताइए, नहीं आते। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते। अब आप ये सोचिए कि क्या खाली भ्रमण करने से हम भारत का विकास कर पाएंगे, क्या खाली भ्रमण करने से हम बहुजन समाज को अपने महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत करा पाएंगे, क्या खाली भ्रमण करने से हम अपने बहुजन युवाओं में एक क्रांति का संचार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप पूरा देश घूम लीजिए, विदेश घूम लीजिए, जब तक आप धरातल पर जाकर काम नहीं करेंगे, जब तक अपने महान पुरुषों के त्याग समर्पण को नहीं बताएंगे, भले कितने झंडे उठा लीजिए, भले कितने आजादी के अमृत महोत्सव मना लिए, भले कितने अपने आपको बोध कह लीजिए, इस तरह से समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन आपका यहाँ मिशन चल रहा था, इसमें रोड अटका दिया गया है पुलिस प्रशासन ने। अगर यहाँ पर किसी और का कार्यक्रम होता, किसी स्वर्ण व्यक्ति का कार्यक्रम होता, देखिए यहाँ पर तादाद लग जाती, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते, मेन हाईवे को जाम कर देते। लेकिन हम क्या है, हम तो संतुष्ट आदमी, थोड़ी देर खून खोलेगा उसके बाद में शांत पड़ जाए, अरे मुझे क्या लेना, ये कर रहा था कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम होता है,
ये कार्यक्रम करा था मेरा मतलब यहाँ तेरा मेरा बहुत ज्यादा है। जब तक बहुजन समाज के लोग तेरा मेरा या उसका करके आजादी के बाद से देखते हैं, जब बहुजन समाज के लोग भारी तादाद में इकट्ठे होते हैं, कोई भी अपने महान पुरुष की जयंती मनाते हैं, किसी भी तरह का कार्यक्रम करते हैं, तब तब प्रशासनिक तौर से अड़चनें आती है। और उसका कारण यह कि हमारे लोग आज सत्ता में नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को बहुत भारी संख्या में झेलना पड़ता है। और अभी मैं रोड से आई थी, मैंने खुद देखा है कि जहां पर चाहे बजरंग दल हो या हिंदू विश्व परिषद हो या तमाम हिंदुओं के संगठन हो, वो रोडों पर बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं कर रहे हैं और बहुत बड़े साउंड के साथ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा साउंड हो। अब उन लोगों को परमिशन मिल जाती है, लेकिन विडंबना है कि जब जब बहुजन समाज के लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलती। और उसका कारण यही है कि जब तक बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लगातार इसी तरह से शोषित होते रहेंगे। लेकिन परमिशन नहीं थी क्या इस कार्यक्रम की? देखिए, परमिशन इस कार्यक्रम की ये लोग लेने गए थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी। पहले ये बता रहे हैं, जो मैंने बातचीत की थी, मैंने भी कुछ पदाधिकारियों से, जो कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हम परमिशन लेने गए थे, परमिशन फिर SDM के पास भेज दिया, फिर वहाँ से थाने भेज दिया। थाने के बाद बोला कि आप कोई है, आपको तिरंगा यात्रा या वैसे तिरंगा ध्वजरोहण का कार्यक्रम करना तो आप इजिली कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर लोग आने शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने इस कार्यक्रम को रुकवा दिया। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज 15 अगस्त देश आज़ाद, तो कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते दलित? देखिए, देश आजाद है, देश तो आजाद हो गया 1947 में अंग्रेजों से, लेकिन विडंबना है कि इस भारत में ही रहने वाले तथा कथित हिंदू लोग या ब्राह्मणवादी लोग या अपने, मैं कहूंगी मनुवादी लोग, आज भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भले शारीरिक रूप से आजाद हुए, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी कहीं ना कहीं हमें उनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जब उनके ऊपर अत्याचार शोषण होते, हमने कितना देखा है, कितने बहुजन समाज के लोग उसका प्रतिकार करते हैं, कितना वो सड़कों पर उतरते, कितना कोई भी घटना घटती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब भी पुलिस का डंडा बरसता है तो साइड में जाकर वो बैठ जाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी भारी संख्या, जिसको कि महान पुरुषों ने 85% कहा, लेकिन 85% समाज आज 15% का गुलाम बना हुआ है, तो बहुत ही दुख भरी बात है। मैं तो कहूंगी कि इससे अच्छा है कि इस जीवन को आप नष्ट कर डालो, क्योंकि गुलामी में कब तक जियोगे, कब तक जियोगे? हमारे देश के महान पुरुषों ने अपनी जान तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दी, इस देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन उस आजादी के मायने आज बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, गले में नीला पटका पहन लेते, मूंछों पे ताव लगा लेते, लेकिन सही रूप में बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, जो विचारधारा दी, उसको आज भी हम मनोसात नहीं कर पा रहे, जिसका खामियाजा इस तरह से हमें भुगतना पड़ रहा है। आपने लोगों से यहाँ बात करी है इस प्रोग्राम को लेकर, क्या किसी की कुछ आपत्ति भी नजर थी क्या यहाँ गाँव में? देखिए, फिलहाल जो मैंने देखा या जितना मैंने, क्योंकि मैं जब आई यहाँ पर मुझे गिने चुने लोग नजर आए, और जो एक जनबल दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे, अगर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते तो कम से कम हमें 20,000-25,000 लोग यहाँ पर दिखाई देते, लेकिन मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर मुश्किल से 100-150 लोग नजर आए, और गांव का किसी भी व्यक्ति का ऐसा विरोध मुझे दिखाई नहीं दिया कि इस कार्यक्रम से जिस तरह से प्रशासन ने रोका है, एक आक्रोश हो, एक आवेश हो उनके अंदर कि हम एक कार्यक्रम कर रहे थे और उसका प्रतिरोध मतलब हम करें, ऐसा किसी भी के भी अंदर नहीं देखा, सभी लोग शांति से बैठे हैं। कोई सार्वजनिक जगह पर थोड़ा ही प्रोग्राम हो रही, तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है ना? देखिए मैंने कहा ना, जब तक बहुजन समाज के लोग अपनी सही ताकत को नहीं समझेंगे, अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, तब तक वो इसी तरह से, चाहे मैं कहूंगी कि आप छोटा भी कार्यक्रम कर लो, कोई भी पुलिस वाला आता है, एक भी व्यक्ति आता है, उससे भी डर कर वो छुप कर बैठ जाते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे लोगों को अपनी ताकत का ऐसा ही नहीं है, क्योंकि शेर कई बार कहते हैं ना कि वो हाथी बहुत बड़ा होता है, और जब वो बैठ जाता है तो उसको उठाने में बहुत बड़ा समय लगता है। जो लोग करवा रहे कहा जा रहा, वो भी तो हाथी है ना, BP अशोक जैसों का नाम। मैं बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, मैं वही बात कह रही थी कि आज हाथी अपनी ताकत भूल गए हैं, आज हाथी को अपनी ताकत नहीं, जबकि वो खुद पुलिस प्रशासन से है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती है। तो एक बहुत ही सोचने वाला सवाल है कि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी बहुजन समाज के यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम में जिस तरह से विघ्न हुआ, कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है बार बार। तो हर जगह कार्यक्रम बिल्कुल कर रहा है, खुले तौर पर कर रहा है, क्योंकि आज सत्ता उनके पास में है, प्रशासन उनके पास में, आज सत्ता और प्रशासन दोनों एक दूसरे की कठपुतली बने हुए हैं। और इस तरह के कार्यक्रम आप तमाम देख लीजिए, अभी जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कावड़ यात्राएं निकल रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे, और जिस तरह से उनके कार्यक्रम होते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर हमें ये लोग वोट देंगे और वोट लेने का काम करते हैं।